अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टॉप अप रिएक्शंस। मेरा नाम हमजा सोहेल। मैं हूं मोहम्मद आमिर। आज हम आपके पास एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए जिसमें निंजा का सॉन्ग टीजर उसने लॉन्च किया सुबह के वक्त में। आज हम उसके बारे में आपको रिएक्शन देंगे। उसका नाम है मित्रा दना। मित्रा दना गाने का नाम है, ये मैं बताना भूल गया, अच्छा किया आपने बता दिया। बस इसके बारे में हम आपको रिएक्शन देंगे, किस तरीके से गाना है, किसने कंपोज किया है, कौन सी मॉडल है और किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें यूज़ की गई हैं, कोरियोग्राफी इसकी, इसका म्यूजिक कंपोजिंग। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को लंबा करने के बजाय अब मेरे ख्याल से तो प्ले करना चाहिए। अच्छा, बी टुगेदर प्रोस ने इसको किया है, फिल्म बाय मेकर की है। फिल्म जो है वो बी टुगेदर प्रोस ने की है, ये जो बी टुगेदर प्रोस है काफी फेमस है। कुछ दिन पहले देखा होगा कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो में इनका बादशाह का जो बादशाह का सॉन्ग है वो भी मेरे ख्याल से इन्होंने फिल्म की मेकिंग की है। प्लस इसमें जो मेरे ख्याल से जो म्यूजिक का थोड़ा बहुत टच दिया ना, अभी फिलहाल कंप्लीट इनको बताया नहीं गया, लेकिन जो शुरू में इन्होंने एक शेर से शुरू किया ना, डायलॉग से, मेरे ख्याल से वो बहुत एक अच्छी चीज थी जिसमें इन्होंने ना मेरे ख्याल से अपना एक जो रिएक्शन दिया है ना उसके ऊपर निंजा ने, वो बहुत अच्छा था। प्लस मेरे ख्याल से आप क्या इस बारे में कहना चाहोगे, क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है इसके बारे में? देखें, अभी तो कुछ इतना खास समझ नहीं आया, सीधी सी जो बात है, क्योंकि अभी ना बस एक लड़ाई दिखाई है, लड़ाई दिखाई है कि मतलब जो सॉन्ग होगा वो थोड़ा गैंगस्टर टाइप होगा। हाँ, गैंगस्टर टाइप लुक है, ये बात इसके अंदर है कि गैंगस्टर टाइप लुक इसके अंदर लाजमी दी गई है। प्लस मैं एक चीज के अंदर देखना चाह रहा था कि जो निंजा का जो ओवरऑल एक स्टाइल है ना, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ना चेंज है और के लिहाज से, मींस कि जो इनकी ड्रेसिंग सेंस होती है ना, जो जट टाइप जितने भी सिंगर्स हैं हमारे पंजाबी जो सिंगर्स हैं, इनकी सबकी यूनिक स्टाइल होती है। आप क्या कहोगे इस बारे में? प्लस जो इसके जो बाली का एक इसने एक गैंगस्टर लुक, मैंने कहा ना कि गाने में भी गैंगस्टर लुक है और वो ये निंजा पे सूट कर रही है। प्लस इसके हर इसको ये हर गाने में होती है इसके। हाँ, ये मेरे ख्याल से इसकी कोई ना लकी, मैं तो शायद समझूंगा शायद लकी वन इसकी कोई एक चीज है। बकाया रिलीज तो होगा ये इंशाल्लाह, कोई भी स्पेसिफिक अभी तक डेट नहीं दी कि कौन सी डेट पे रिलीज होगा ये सॉन्ग। हाँ, बराबर ठीक है, सही है। बकाया मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, सीधी सी जो बात है। तो अब पीछे रहेगी बात आखिरी के कितनी रेटिंग दोगे आप इसको? अभी तो खाली डायलॉग ही सुने, डायलॉग अगर की बात की है तो 10 out of 10, बाकी इतना और कोई सॉन्ग तो था ही, तो 7। मैं भी तक की वीडियो के मुताबिक अगर मैं भी ये देखा जाए ना, तो उसने जो शुरू में अगर गैंगस्टर टाइप के लिहाज से अगर इसको दीजिए ना, तो 10 out of 10 दूंगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ देखा जाए, तो उसने अभी टच नहीं दिया हल्का सा, बस एक शुरू में डायलॉग दे के तो बस म्यूजिक अपना खत्म किया, तो उसके हाफ में तो मैं इसको 10 out of 6 दूंगा बकाया, क्योंकि आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या होता है और उम्मीद है गाना अच्छा ही होगा। चले दोस्तों, फिर अब इंशाल्लाह वीडियो को लंबा करने से बेहतर आप सपोर्ट कीजिए हमें, क्योंकि हमारा भी एक ग्रोइंग चैनल है अभी। प्लस शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, शेयरिंग लाजमी करनी है वीडियो की, ताकि इसको हमारा भी चैनल को ग्रोथ हो और आपकी जब तक प्यार आपका सबका मिलेगा तभी मोटिवेट होता है बंदा, ऊपर जाता है, नई वीडियोस लेके आता है। तो चलिए दोस्तों, फिर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।